नमस्कार, गुड न्यूज इंडिया के इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं शैलाजीलाल। दर्शक मित्रों, अगले आधे घंटे में हम आपके लिए लाए हैं इस खास शो में ऐसी सार्थक सकारात्मक खबरें जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाएंगी और आपको उत्साह और ऊर्जा से भर देंगी। तेज रफ्तार भागती दौड़ती जिंदगी और सुर्खियों की रेस में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारे आसपास कुछ अच्छा भी हो रहा है, कुछ ऐसा भी है जो हमें सकारात्मक ऊर्जा दे सकता है, हमें कुछ कर गुजरने की चाहत भर सकता है। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारी यही कोशिश रहती है कि हम समाज में घटित हो रही इन्हीं अच्छी खबरों को चुन चुन कर आप तक पहुंचाएं। जी हां, तो शुरू करते हैं गुड न्यूज इंडिया। अक्सर ही सड़क पर चलते हुए घंटों जाम में फंसे रहते हैं और सोचते हैं कि काश ये सड़कें जाम फ्री होती तो कैसा होता। लेकिन ऐसा सचमुच हुआ 22 अक्टूबर को, जब हर आम और खास व्यक्ति साइकिलों पर नजर आए। जी बिल्कुल शैला, और दिल्ली में इंडिया गेट से लेकर लाल किले तक कार फ्री डे मनाया गया। दशहरे का दिन था इसलिए ट्रैफिक अपेक्षाकृत उस दिन वैसे भी कम था। लेकिन शैला, इसमें एक बात मैं ये जरूर जोड़ना चाहूंगा कि कार फ्री डे के बारे में जितना कुछ सोचा गया था कि ये कितना सकारात्मक रूप से तमाम सारे लोग सड़कों पर सिर्फ साइकिल से नजर आएंगे, ऐसा हुआ नहीं, कारें भी दिखाई दी। तो अभी हमें जागरूकता और बढ़ाने की जरूरत है, लोगों को प्रदूषण के प्रति और चेतने की जरूरत है, और इस कार फ्री वाले जो कंसेप्ट है इसको और आगे ले जाने की जरूरत है। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के पहले कार फ्री डे की। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए दिल्ली ने गुरुवार को की एक पहल और सबने मिलकर प्रदूषण को कहा अब बस करें। मौके पर लाल किले से इंडिया गेट तक एक साइकिल रैली भी आयोजित की गई और इस मार्ग को 7 बजे से 12 बजे तक कार फ्री बनाया गया। जगह जगह लगे पोस्टर्स लोगों को इस पहल के प्रति जागरूक कर रहे थे, तो वहीं सिविल डिफेंस के कर्मी लोगों को कार फ्री सड़कों पर जाने से रोक रहे थे। इस मुहिम को सफल बनाने के लिए सार्वजनिक यातायात को बेहतर बनाने के साथ साथ अन्य चुनौतियाँ भी कम नहीं है। सरकार अगर इस साइकिलिंग को कहीं भी प्रमोट करना चाहती है तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों को दे। हमें साइकिल लेन्स एक डेडिकेटेड डिवोटेड और इन एंडेड पब्लिक पूरा सहयोग कर रही है और जो इनको बताया जा रहा है उसी तरह से हमारा कहना भी मान रहे हैं और पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो ना भी मानने वाले लोग वो भी पूरी तरह से मान जाते हैं बात को। जरा इन आंकड़ों पर गौर करें। दिल्ली में इस वक्त 88,27,000 वाहन हैं, जिनमें से 27,90,566 कारें और जीप हैं। प्रदूषण स्तर की बात करें तो विकासशील देशों के 381 शहरों में से दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित है। दिल्ली की हवा में पार्टिकुलेट मैटर का स्तर 2.5 है, जो बहुत ज्यादा है और जिससे अस्थमा, फेफड़े का कैंसर, सांस और दिल की बीमारी हो सकती है। आपको क्या लगता है कितना इंपॉर्टेंट है कार फ्री डे दिल्ली के लिए? मैम, ये दिल्ली के लिए नहीं, पूरी इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। एंड मुझे लगता है ये जो दिल्ली में मनाया जा रहा है, इससे पहले जो गुड़गांव मना गया उसको देख के जो हमारे दिल्ली में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया, मैं चाहूँगा इसे और बढ़ावा मिले और ये बहुत जरूरी है हमारे दिल्ली के नहीं पूरे देश के लिए। इससे एक तो हमारे जो इन्वायरमेंटल वो प्रॉब्लम सॉल्व आउट होगी और जो हमारे यहाँ पे जो भी बीमारियाँ आ रही हैं, जो भी सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व आउट होगी इससे। और आपको क्या लगता है कि आपके फ्रेंड्स कितने एक्साइटेड हैं इस कॉन्सेप्ट को लेकर? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस कॉन्सेप्ट को लेकर और पर से काफ़ी लोगों को होना चाहिए एक्साइटेड इन चीज़ों से। बहुत लोगों को करना चाहिए क्योंकि इससे दिल्ली का पॉल्यूशन जिस हिसाब से है उससे साइकिलिंग बहुत बेस्ट है। गुड़गांव के बाद दिल्ली ने अब ये शुरुआत की है और दिल्ली सरकार की योजना हर महीने की 22 तारीख को कार फ्री डे के तौर पर मनाने की है। अब देखना होगा कि क्या दिल्ली वासी इस मुहिम को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना पाते हैं। नई दिल्ली से गुड न्यूज इंडिया के लिए ममता चोपड़ा की रिपोर्ट। तो ये कार फ्री डे का कंसेप्ट बहुत अच्छा है, बहुत सराहनीय पहल है शैला, लेकिन अभी हमें मीलों आगे जाना है, बहुत लंबा रास्ता तय करना है। बिल्कुल निखिल, और अब अपने दर्शकों को मिलवाते हैं मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की अनीता से। अनीता ने एक सकारात्मक पहल की है। अनीता ने अपनी छात्रवृत्ति के पैसे से अपने घर में शुष्क शौचालय का निर्माण करवाया। अनीता की पहल से गाँव वाले इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने गाँव में 116 शुष्क शौचालय का निर्माण करवा लिया है और लगभग 216 शुष्क शौचालय निर्माणाधीन है। जी हाँ बिल्कुल, ये काफ़ी बड़ी संख्या है और ख़ास बात यह है कि अनीता न सिर्फ निर्मल भारत अभियान को आगे बढ़ा रही हैं बल्कि उन्होंने एक ऐसी प्रेरणा भी दी है, एक मिसाल भी दी है कि सरकारी जो भी योजनाएं हैं उनमें जब तक जन सहभागिता नहीं होगी ऐसे कार्यक्रम गति नहीं पकड़ेंगे। और अनीता एक मिसाल है, सबको ये देखना चाहिए। ये है मध्य
मध्य प्रदेश के सिरोह जिले के गांव गुराड़िया वर्मा की अनीता कनिशरिया। अनीता ने सरकार से मिलने वाली छात्रवृत्ति का उपयोग कुछ ऐसा किया कि वो लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। गरीब परिस्थितियों में रहने वाली एक अनुसूचित जाति की छात्रा अनीता ने अपनी छात्रवृत्ति की राशि से अपने घर में शौचालय का निर्माण करवाया है। दृढ़ इच्छा शक्ति की धनी ये छात्रा जनपद के एक निजी कॉलेज से बीएससी कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई कर रही है। ऐसे में उसे अपने घर में शौच के लिए परंपरावादी तरीके से खुले में ही जाना पड़ता था और इस कारण उसे अपमान भरी कुंठाओं से गुजरना पड़ता था। बस इसी पीड़ा का निदान उसे अपने हाथों में आई छात्रवृत्ति की राशि देखकर निकलता दिखा। हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, पढ़ लिखे लोग हैं और आजकल गांव का माहौल ऐसा है, बाहर जाने में बहुत प्रॉब्लम आती है और रास्ता भी देखना पड़ता है। मतलब इतने दूर जाने के लिए कोई साथ में होना जरूरी है, जैसे मम्मी दीदी वगैरह। तो जब मैंने ये शौचालय के बारे में सुना, हमारे गांव में मीटिंग लगी थी, यहाँ पे वो समर्थन कार्यकर्ता वालों ने लगवाई थी, तो वहाँ पे गई थी। तो हमारे जो गांव के जो सचिव थे वो भी थे और जो सरपंच है वो भी थे, ये सब लोगों वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, वहीं पे मीटिंग लगी थी। तो मैं वहाँ पे गई थी, वहाँ पे मैंने इसके बारे में सुना था और ये बहुत सस्ते में बन रहा था, तो मैंने सोचा मुझे इसे बनाना चाहिए और बस इसलिए ख्याल आया। इसमें इतने कम पैसे खर्च होते, हम लोग गांव में रहते हैं फिर भी इतने पैसे कलेक्ट कर सकते कि एक शौचालय बनाने, इसमें ज़्यादा खर्च नहीं आता और वैसे भी समर्थन वाले दे रहे हैं पैसे। मेरे पास स्कॉलरशिप पड़ी थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसका यूज़ करूँ। अनीता की पहल को लेकर उसके ही परिवार के सदस्यों को पहले तो भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब खुले में शौच से स्थायी रूप से मुक्ति मिल गई तो अपनी आंखों की प्यारी अनीता के प्रयासों को सराहते नजर आए। इस जागरूक बेटी के परिजन ही नहीं बल्कि उसके सहपाठियों को भी अनीता की पहल पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब अनीता के प्रयासों से उसके घर में बने शौचालय को अपनी आंखों से देखा तो उनके मन में उत्साह के साथ साथ अपनी सहेली के प्रति एक आदर का भाव भी जागृत हुआ। अनीता के गांव के निवासी और ग्राम पंचायत के पदाधिकारी ये मानते हैं कि अनीता के प्रयासों का ये असर हुआ कि अब इस गांव में प्रत्येक ग्रामीण अपने घर शौचालय बनाने में जी जान से जुटे हुए हैं। अब गांव को जो पहचान मिल रही है वो इसका श्रेय अनीता को देते हैं। जिले की आष्टा जनपद पंचायत के CEO भी अनीता के प्रयासों की सराहना करते दिखे। अपनी छात्रवृत्ति जो उसे 5,000 मिली थी उसमें से भी 4,000 रुपए उसने लगाए और अच्छा शौचालय निर्माण कराया और ये घटना उस क्षेत्र के लिए आसपास की ग्राम पंचायतों के लिए बड़ी प्रेरणास्पद रही है और जब ये बात और आगे भी निकली है तो पूरे जिले में पूरे प्रदेश में भी ये बात की चर्चा हो रही है। अनीता की ये प्रेरणा देने वाली पहल गांव में ऐसी रंग लाई कि देखते ही देखते गांव में 100 से भी ज्यादा शौचालयों का निर्माण हो चुका है और 200 से भी ज्यादा शौचालय निर्माणाधीन हैं। अनीता कलेश्वरिया एक रोल मॉडल के रूप में अन्य छात्राओं के लिए प्रेरणा का सबब बन गई हैं। गुड न्यूज इंडिया के लिए भोपाल से शशिन रॉय की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो गुड न्यूज इंडिया का सफर आगे भी जारी रहेगा, हम यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे एक अनोखी पेंटिंग के बारे में जिसमें पूरी रामायण का चित्रण किया गया है। I fire hard and I fire strong. I like solving problems. Facing an enemy at a higher position is a problem. Being 2 points down is a problem. And the bigger the problem, the sweeter the victory. What do I like? Going to battle or firing my pistol? I like the fact that I do both for India. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. ब्रेक के बाद गुड न्यूज इंडिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रामायण की महत्ता को कौन नहीं जानता। रामायण महज एक पुराण नहीं है बल्कि भारतीय मूल्यों की ऐसी कड़ी है जिसे बच्चा बच्चा जानता है। क्यों निखिल जी? बिल्कुल शैला, और इसी रामायण को एक स्क्रॉल पेंटिंग के जरिए अहमदाबाद की एक दूधत फैमिली है जिसने इसको दर्शाया है, जिसने बड़ी मशक्कत के बाद और ये बड़ा इनोवेटिव आइडिया निकाला, 55 मीटर लंबी स्क्रॉल पेंटिंग बनाई है जिसमें रामायण को बड़ी खूबी के साथ दर्शाया गया है। ये है दूधत परिवार। भानु दूधत, उनकी पत्नी प्रभा दूधत,
बहू अनामिका और बेटे कैलाश दुधर। ये पूरा परिवार न केवल यहाँ एक साथ इस बेंगलोर की आर्ट गैलरी में नजर आ रहे हैं, बल्कि ये हमेशा साथ साथ होते हैं, चाहे साथ चाय पिए या पेंटिंग बनाए, सब मिलकर एक दूसरे का साथ देते हैं। दुधर परिवार की ये तीसरी पीढ़ी है जो पेंटिंग कला की दुनिया में बेमिसाल रहे हैं। ये देखिए दुधर परिवार की कला का ये नजारा। ये है 55 मीटर लंबा स्क्रोल कैनवास जिस पर इस परिवार ने पूरी रामायण की कथा दर्शाई है। राजा दशरथ के इतिहास से लेकर सीता के धरती में समा जाने तक की कथा कैनवास पर देखी जा सकती है, और देखने वाले जो कि रामायण जानते हो ये पेंटिंग देखकर खुद बखुद पूरी कथा समझ जाते हैं। दुधत परिवार ने इस पेंटिंग को बनाने में पूरे 5 साल लगाए। पेंटिंग में परिवार के एक एक सदस्य का योगदान रहा है। भानु दुधत की पत्नी प्रभा दुधत, उनके बेटे और उनकी बहू सबने मिलकर ये पेंटिंग बनाई है, जो कि आसान काम नहीं है। इस पेंटिंग को बनाने में भानु दुधर पात्रों के स्केच तैयार करते हैं तो पत्नी उनमें रंग भरती हैं, और फिर उनकी बहू रंगों को अलग अलग तरीके से इन आउटलाइन स्केच में भरती हैं। इस पूरी पेंटिंग में सिर्फ 4 रंग हैं और वो भी अलग अलग रूप में। पूरा एक रोल में एक कलर स्टार्ट किया पहले, जब तक वो फिनिश नहीं हुआ तब तक दूसरे कलर को टच नहीं किया। फिर वैसे करके हमने पूरा 4 कलर्स को एक एक बार कंटिन्यू किया, जब फुल फिर स्टार्टिंग में स्केच किया, फिर आउटलाइन किया, फिर कलर स्टार्ट किया, फिर लास्ट कलर ब्लू कलर स्टार्ट खत्म किया। वैसे करके टाइम मतलब पूरा 55 मीटर वैसे कम्प्लीट किया। तो उसमें पापा ने डायरेक्शन दिया, मम्मा ने पूरा आउटलाइन सब वो सब कम्प्लीट किया, फिर कलर्स में मैंने हेल्प किया सब में, तो लास्ट तक वैसे खत्म किया हमने मेजर टास्क। इतना ही नहीं, भानु दुधत ने जब स्क्रोल पेंटिंग्स बनाने के बारे में सोचा तो उन्हें स्क्रोल कैनवास पर काम करने के लिए कई लोगों की जरूरत पड़ी। फिर उनकी मां ने उनका साथ दिया, पत्नी प्रभा भी स्क्रोल पेंटिंग में दिलचस्पी दिखाने लगी। भानु दुधत ने अपनी मां, पत्नी और बेटों को पेंटिंग की कला सिखाई और फिर शुरू हुआ ये सिलसिला। रामायण उसने जो मैन पावर बताया ऐसा वन मैन पावर फॉलोवर्ड में वन मैन पावर नहीं मिलेगा जो रामायण में मिला है। इसमें सीता का जो पात्र है सर्वश्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ में उसको मानता हूँ। सीताराम बोलते राम सीता नहीं बोलते। कथा जो पेज में लगाया है तो मानो कर 2000-3000 पेज बना, उसको काट के ज्वाइंट करो स्क्रोल बन जाएगा। तो पुराना जब मैं जो रहा कुछ कथा लिखी थी ऐसे स्क्रोल पद्धति से लिखी थी, तब कटाई वटाई करने का कोई सवाल ही नहीं आता था। दुधर परिवार ने अब तक कई स्क्रोल पेंटिंग बनाई हैं। इनमें बाइबल, महाभारत, लाइफ ऑफ महात्मा गांधी और हिस्ट्री ऑफ कश्मीर शामिल हैं। रामायण की पेंटिंग के जरिए दुधर परिवार खासकर युवा पीढ़ी को इस पुराण में मौजूद हर उस पहलू से रूबरू कराना चाहते हैं जो आज भी सबकी जिंदगी के साथ जुड़ी है। समय तो बहुत लिया इसमें, सुबह से शाम तक बोलो तो 24 घंटा बोलो 24 घंटा इसके अंदर हमने समय लिया। तो सब घर काम हो रही है, सब साथ में करना पड़ता है इसके। दुधत परिवार की रामायण स्क्रोल पेंटिंग की चर्चा विदेशी मेहमान भी करते हैं। भानु दुधत का अगला प्रोजेक्ट है गीता पुराण के उपदेश स्क्रोल पेंटिंग के जरिए दुनिया को दिखाना। I love it. It's wonderful art. I love the design. It tells a story all the way around. And I love the colors. It's beautiful, beautiful work. दुधत परिवार को इस कला के लिए कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है, लेकिन उन्हें इनाम और पुरस्कार से ज्यादा अपने परिवार की एकता और रंगों की ये दुनिया सबसे ज्यादा प्रिय है। बेंगलुरु से आयशा खानम की रिपोर्ट, गुड न्यूज इंडिया के लिए। कहते हैं कि अगर इरादे नेक हो तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं, और कुछ ऐसा ही कार्य किया है दिल्ली के इस युगल दंपति ने। इन्होंने ऐसे बच्चों की तालीम